ये देखो ये शाम कुंड कितना बड़ा है ये। क्यों मस्त लग रहा है यार, हवा में लाइटिंग चालू होने के बाद एक नंबर लग रहा है। तो ये नहा धो के हो चुके हैं हम रेडी, और अब चलते दर्शन करने के लिए। और मंदिर 5 बजे खुलेगा, इतने तो खाटू में घूमते अपन। आपको भी दिखाता हूँ मैं, शाम कुंड वगैरह जाते हैं अपन, खाटू में बेला खाटू ही घूमते अपन, उसके बाद चलेंगे दर्शन करने के, क्योंकि मंदिर 5 बजे खुलेगा। अभी तो खुलेगा नहीं, इसलिए अपन को यहाँ पे ही घूमना पड़ेगा। तो ये रही गाड़ी पूरी गंदी हो गई धूल में, खाटू की मिट्टी धूल इतनी उड़ती यहाँ पे, इसलिए रेत कितनी है उससे गंदी हो गई। और यहाँ रुके थे हम रात को, देखो शाम विलास में। तो चलो अभी चलते हैं अपन इस टाइप की शॉप से खाटू की। अगर आपको कुछ यहाँ से परचेज करना है, यहाँ से आप खरीद सकते हो। तो अभी तो अपन पहले चाय नाश्ता करते हैं, और उसके बाद अपन चलेंगे शाम कुंड में। चाय नाश्ता करना था वो कर लिया, तो अभी अपन चलते हैं पहले शाम कुंड, और वहाँ पे आपको शाम कुंड दिखाता हूँ। और अभी थोड़ी बहुत शॉप भी बंद है, देखो ये ऐसा मार्केट है पूरा। अभी तो पूरा मार्केट नहीं प्रॉपर, अभी तो और अपन मार्केट में जाएंगे अंदर। तो आपको भी प्राचीन कुंड वगैरह जाना हो, तो अगर आपको रास्ता नहीं पता, यहाँ भी आसपास किसी को भी लोगों को पूछ के आप जा सकते हो। और ऐसे भी बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे आपको जाने के लिए। ये देखो बोर्ड का कह रहा था ना मैं, तो वो बोर्ड लगा हुआ कि प्राचीन शाम कुंड इधर है। और अभी तो मार्केट स्टार्ट हुआ, अभी तो और मार्केट है अंदर। और प्राचीन शाम कुंड के बाहर भी आपको बहुत सारी शॉप वगैरह मिल जाएगी, यहाँ से भी आप सामान ले सकते हो। वो सामने वो रहा गेट, तो चलो अपन चलते हैं अंदर गेट से, और आपको बताता हूँ अंदर जाके मैं। और ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे दर्शन करो, और यहाँ पे शाम कुंड। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, ये देखो ये रहा शाम कुंड। तो चलो नीचे चलते हैं, और नीचे जाके आपको बताता हूँ मैं शाम कुंड। और देखो ऐसा है शाम कुंड, और पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे। तो नीचे जाके अपन हाथ में धोते हैं। सो तो कुछ ऐसा है ये शाम कुंड, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। और देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो। अभी तो पानी कम है यहाँ पर, हमेशा खूब ही पानी रहता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है शाम कुंड है ये, और हम आए थे यहाँ ऊपर से। तो अभी चलते हैं वापस अपन। तो और देखो यहाँ पे भी बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ सकते हो रोक के। तो ये शाम कुंड में अपन ने डोली आत्मा, अपन चलते हैं वापस। दूसरा एक और शाम कुंड है वहाँ पे। तो प्राचीन शाम कुंड से निकलते ही ऐसा कुछ मार्केट है उसके बाहर, तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, आप प्रसाद वगैरह भी यहाँ से ले सकते हो जो भी आपको लेना हो। तो ये आ गए अपन एक और दूसरे शाम कुंड में। तो चलते हैं, देखो वो रहा सामने लगा हो ना बोर्ड से शाम कुंड। तो ये क्यों बनाया गया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। पहले यहाँ पे जूते चप्पल निकालते हैं अपन, और फिर आपको अंदर ले जाके बता। ये देखो ये शाम कुंड कितना बड़ा है ये, और ये उसी शाम कुंड का पार्ट है, पर इसको बड़ा बनाया गया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, इसीलिए वो शाम कुंड छोटा पड़ रहा था, इसीलिए ये बनाया गया। इधर बहुत सारे लोग नहाते भी आके, आप भी यहाँ पे आके नहा सकते हो। और अगर मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट करके भी आप ज़रूर बता सकते हो। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो वहाँ पे भी शाम कुंड में जाके आ गए हम। तो अब अपन चलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है खूब मंदिर खुलने में। ये देखो श्याम बाबा, यहाँ पे भी एक मंदिर बना रखा है धर्मशाला में, पास से दिखाता आपको। चलो खाना वगैरह खाना तो हमने खा लिया, अब चलते हैं घूमने के लिए वापस, क्योंकि मंदिर तो अभी टाइम है खूब लेट खुलेगा। तो इतने यहाँ पे घूमते अपन, देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी, क्योंकि अभी 3 घंटे निकालने के लिए।
शॉप भी यहाँ पे बहुत सारी जगह जगह गली गली में शॉप है। तो अभी हमको खबर मिली है कि मंदिर खुल चुका है। ऐसे तो बहुत टाइम था खुलने में, पर तो भी जल्दी खुल गया है मंदिर। तो हम अभी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। होगा तो आपको भी दर्शन कराऊंगा मैं, अगर फोन से शूट करने देंगे तो। ये देखो लोग सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, मतलब मंदिर तो खुल ही चुका है। अभी तो बहुत टाइम था लेकिन पता नहीं खुल ही चुका है। और ये देखो, और यहाँ मंदिर के आसपास भी धर्मशाला है, आपको मिल जाएगी रुकने के लिए। तो यहाँ से चालू हो रही है लाइन, और आज तो भीड़ भी है। जैसे मैं पिछली बार आया था ना तो इतनी भीड़ नहीं थी, पर आज तो यहाँ से ही भीड़ स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी चलते हैं अपन अंदर और आपको भी दर्शन कराता हूँ, और देखता हूँ कितनी भीड़ है अंदर जाके। खूब भीड़ दिख रही है यार यहाँ से तो। और दूसरी बात, ये तो मैं आया था इसलिए खाली था, पर जो हमेशा भीड़ रहती है उससे तो आज कम ही है। ये तो खूब भीड़ रहती है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और हम रात को आए थे ना तो रात को तो इतनी भीड़ नहीं थी, कम ही लोग थे, पर सुबह होते होते कितनी भीड़ हो गई देखो। कहाँ पे आई तो? ये देखो ये रहा मंदिर, पूरा भीड़ है आज तो, मतलब कम है, 11 से कम है। हम 11 से नहीं आए, नहीं तो ज्यादा होती है। ये पंखा कितना बड़ा है वो देखो, पहले 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 पंखुड़ी। ये आ गए मंदिर में, और ऊपर देखो क्या मस्त डेकोरेशन कर रखा है यार। तो दर्शन तो कर लिए मैंने और आपको भी कराए, और ऐसे तो वहाँ पे फोटो खींचने नहीं दे रहे थे, पर मैंने आपको बताने के लिए ले ली थोड़ी सी क्लिप। तो अभी चलते हैं अपन, दर्शन कर लिए अब अपन चलते हैं यहाँ से, जाते हैं अब देखते हैं कहाँ पे जाते हैं अपन। तो पहले यहाँ से तो निकले, यहाँ तो खूब भीड़ हो रही है। तो अभी चलते हैं अपन आगे, इसका जो मंदिर का मेन गेट है ना आगे, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ थोड़े बहुत फ़ोटो लेते हैं और फिर चलते हैं अपन। और अगर आपको फ़ोटो देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। यहाँ सा मेन गेट हो तो यहाँ से नहीं हुए हम, बाहर से ही पीछे से ही एंट्री कर लिए थे, मेन गेट ये रहा। अब चलते हैं अपन, जूते उतारे थे वहाँ, जूते लेते और फिर चलते जयपुर चलते हैं फिर अपन, क्योंकि यहाँ दर्शन भी कर लिए, शाम को भी चले गए। और मंदिर 5 बजे खुलने वाला था पर खुल गया तो अच्छी बात है, खुल गया तो अच्छा है। तो अब चलते हैं अपन, यहाँ ऐसे भी खूब भीड़ हो रही है, साउंड भी पता नहीं आ रहा होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो। तो अभी चलते हैं अपन जयपुर, और मैं आपको बीच के नज़ारे भी दिखाता जाते हैं, और बीच में कोई इंटरेस्टिंग करता है तो वो दिखाता हूँ आपको मैं। चलो फिर निकलते, देखो भीड़ कितनी है। अभी तो मैं बैठा हूँ यहाँ, खूब भीड़ हो गई यहाँ पे देखो, कल और ज़्यादा होगी 11 से कल तो। तो आ गए हम गाड़ी पे वापस, चेकआउट भी कर लिया। तो अगर आपको और खाटू के बारे में कुछ जानना हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं बता दूंगा उस बारे में। तो अभी चलते हैं अपन जयपुर के लिए निकलते हैं। चलो ये देखो अपन रात को तो आ गए, कैसे फटाफट आ गए यहाँ पे, जरा भी भीड़ नहीं थी रात को, आपको दिखाया था मैंने, अगर नहीं देखा तो पिछले ब्लॉग में देख लेना। रात को एक भी गाड़ी नहीं थी, और आज कितनी गाड़ी है यहाँ पे देखो, निकल ही नहीं रही, इतना ट्रैफिक हो गया है। तो अपन पहले वहाँ पे तोरण द्वार पे जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे, वहाँ पे धोख लगाएंगे, और उसके बाद निकलेंगे, वहाँ पे भी थोड़े बहुत फोटोज लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे अपन। तो ये आ गया तोरण द्वार। अब यहाँ पे अपन देखो कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सब दर्शन कर रहे हैं और फोटो ले रहे हैं। तो अभी अपन भी चलते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं, धोख लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। भीड़ बढ़ती जा रही, क्योंकि कल 11 से ना इसीलिए अभी तक नहीं थी। हम यहाँ पे फोटो वगैरह लेते थोड़े बहुत और फिर निकलते हैं। तो ये आ गए हम जयपुर, और जयपुर के हम अंदर भी नहीं घुसे और बाहर ही हमको मिल चुका है ट्रैफिक। अब देखते हैं कब तक क्लियर होता है ये।
करीब 2 घंटे खड़े रहने के बाद ट्रैफिक क्लियर हुआ है और हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं जयपुर में जाके कहाँ कहाँ घूम पाते हैं हम, क्योंकि 2-3 घंटे और बचे और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अभी अपन पहले जा रहे पिंक सिटी का जो मार्केट होता है, जहाँ पे सारी दुकानें पिंक होती है, तो पहले अपन वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हवा महल। तो जो सामने दिख रहा ना गेट जो पिंक कलर से, तो वहाँ से सारी दुकानें होती है स्टार्ट, और जयपुर का दूसरा नाम भी पिंक सिटी है। तो अभी चलते हैं अपन अंदर इस गेट में और अंदर जाके आपको पूरा मार्केट दिखाता हूँ। और बहुत सारी दुकान है और सब दुकानें पिंक है, और उसके पास में ही हवा महल है। तो अपन जाते हैं अंदर और अंदर से आपको बताता हूँ मैं जाके। और क्या मौसम हो रहा है यार जयपुर का, सच्ची में थोड़ी देर पानी गिर गया, उस वजह से मौसम भी एक नंबर हो गया। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पिंक सिटी, और ये देखो सब शॉप पिंक है, यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं यहाँ पे और वो सब पिंक है। यहाँ पे मतलब आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएगी, बहुत सारी दुकानें और सब दुकानों का कलर पिंक है। और ये देखो कितनी शॉप है यार यहाँ पे, कितनी सारी, और क्या मस्त दिख रहे हैं ना शॉप भी, मस्त मौसम भी हो रहा है, नज़ारा भी एक नंबर आ रहा है। मतलब करीब 15 मिनट हो गए हमको इस रोड पे और ये दुकानें ख़त्म ही नहीं हो रही। और आप पॉज करके दुकान पे दुकान नंबर भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या नंबर लिखे ले, और इस मतलब ऐसा कुछ नंबर है कि पैटर्न चेंज होने के बाद नंबर चेंज हो जाते, पता नहीं, मेरे को कमेंट करके आप भी बता सकते हो। तो फाइनली अब जाके वो पूरा एरिया ख़त्म हुआ है, पिंक दुकान जितनी भी थी वो सब। तो आगे भी जो बिल्डिंग दिख रही है, ये भी पूरी बिल्डिंग पिंक कलर की है। अभी चलते हैं अपन हवा महल, वहाँ पे जाके देखते हैं हवा महल को, बंद तो नहीं हो गया ये भी देखना पड़ेगा। ये देखो मैं सोच रहा था कि दुकानें ख़त्म हो गई, पर अभी थोड़ी देर और मैं आगे गया तो और दुकानें चालू हो गई। मतलब कितनी दुकानें, सब दुकानें पिंक है यहाँ पे, सब तो नहीं, मतलब एक एरिया है पूरा पिंक का है देखो। और इसमें आप शॉप नंबर भी देख सकते हो, 1000 ऊपर दुकानें होगी, पर वो क्या है सेक्शन वाइज पता नहीं कुछ इसको डिवाइड कर रखी होगी। अभी अपना हवा महल भी आने वाला है, गेट हवा महल का, और इन सब दुकानों के पास में ही हवा महल भी है। तो ये जा रहे हैं हम हवा महल के पीछे वाले गेट से अंदर, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे ही, आप देखते खुला है या फिर बंद। और अगर आपको हवा महल घूमना है तो आप ये सब दुकानें घूमने के बाद भी हवा महल आ सकते हो, क्योंकि इन दुकानों के पास ही हवा महल है। तो अभी देखो लॉक तो दिख रहे, अब पता नहीं खुला है या फिर नहीं, हो तो जाके ही पता चलेगा अपन को। तो पार्किंग लगाते और फिर चलते। इससे आपने देखा होगा हवा महल कुछ अलग दिखता है, तो आप कह रहे होंगे यार वो तो पिंक है और कुछ अलग है, तो ये पीछे से हवा महल का। तो सब तो आगे से दिखाते, तो मैं पीछे से भी बताता हूँ। देखो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है हवा महल। तो अभी चलते हैं अपन अंदर, चलो। टिकट लोग तो जा रहे हैं, पता नहीं खुला है या फिर बंद है, देखते हैं। तो हवा महल तो बंद हो चुका है, तो आपको भी अगर आना हो तो 6 बजे पहले आना, घूमना है अगर हवा महल तो, क्योंकि हवा महल 6 बजे बंद हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये अभी हम आए हवा महल के अंदर, क्या है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो अपन जा रहे हैं फ्रंट साइड, और वहाँ पे जाके फ्रंट साइड तो देखे अपन, बाहर से तो देखे हवा महल आए हैं। तो यहाँ पे भी एक शॉप बनी हुई है देखो, मतलब लड़कियों के साथ आओ तो कटिंग पूरी होनी है, कहीं से भी जाओ। हवा महल बंद भी हो गया तो भी यहाँ कटिंग हो जाएगी। ये देखो महल के बाहर ये इतनी सारी दुकान है, और ये रहा मेल। अरे यार पेड़ पे दिख नहीं रहा था क्या, गहरी सामने पूरा पिंक हो रहा है, सामने भी लाइटिंग वगैरह। और ये रहा जयपुर मेल, अंदर से तो नहीं देख पाए क्योंकि बंद हो गया, बाहर से देख लो। क्यों मस्त लग रहा है यार हवा महल, लाइटिंग चालू होने के बाद एक नंबर लग रहा है। तो ये देखो कुछ ऐसा है हवा महल, बाहर से ही देख सकते हैं, अभी अंदर तो नहीं जा सकते, कितने सारे कबूतर हो रहे हैं वहाँ देखो, ऐसा कुछ है। और पूरा चारों तरफ पिंक पिंक हो रहा है देखो, एक नंबर हो रहा है ना, यहाँ सामने दुकानें वगैरह है। अब
अभी अंदर जाने नहीं मिला क्योंकि बंद हो गया, नहीं तो अंदर जाते तो और भी मज़ा आता यार। अपन चलते हैं वापस गाड़ी पे, और अभी बहुत शाम हो गई, ऐसे भी सब चीज़ें हो चुकी होगी बंद, इसीलिए देखते अब डायरेक्ट निकलते घर के लिए अपन। और हवा महल की टिकट होती है तो अंदर जाते हैं, पर है ही नहीं अंदर टिकट, क्या खुला होता तो अंदर जाते हैं, पर खुला ही नहीं है। पूरी दुकानें वगैरह देखो सब बंद हो रही हैं, ये देखो। और ऊपर मौसम कैसा हो रहा, पानी और आने जैसा। और ये हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। बहुत सारी जानकारी हिस्ट्री है इससे जुड़ी हुई हवा महल से, तो आप गूगल करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी इसकी। देखो रात को तो और बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पे है ना रात को ही देखने का और मज़ा आता है। जो दुकानें वगैरह है वो तो हवा महल जल्दी बंद हो जाता है। और अगर आपको भी हवा महल घूमने आना हो तो टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप आना। तो अभी तो अपन हवा महल ही घूम पाए क्योंकि अभी हो चुका है अंधेरा, तो अभी अपन देखते हैं खाते हैं कुछ और उसके बाद निकलते हैं अपन। तो अभी हमने डिसाइड करा है तो अभी चलते हैं अपन घर पे, क्योंकि अभी तो सब कुछ हो चुका होगा बंद। और ये जो भी आप दुकानें देख रहे हो ना, आप सोच रहे होगे कि ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट नहीं है, सब दुकानें गवर्नमेंट की है और इसको दे रखी है रेंट पे। और ये देखो कितनी सारी दुकानें हैं, मतलब रात को तो और एक नंबर नज़ारा लग रहा है। अगर यहाँ पे अगर पैदल पैदल घूमें ना अपन तो मस्त लगेगा। अगर आपको भी अगर आप घूमने आओ जयपुर, तो यहाँ जो गलियाँ है ये रात को ही कवर करना लाइटिंग में ये पूरा, बाकी जो देखने का है जो महल वगैरह है वो सब घूम लेना आप दिन में, पर ये पूरा जो मार्केट है आप रात को ही कवर करना। ये पूरा जो दिख रहा है ना पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग बनी हुई है, अभी तो हमको तो पार्किंग करनी नहीं है, नहीं तो आपको बताता मैं, तो पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग बना रखी है ये। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है जो एक नंबर लग रहा है लाइटिंग वगैरह इसकी, तो ये है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि अभी तो बंद हो चुका है, तो अपन वहाँ पे भी जाते हैं घूमते हैं अपन जाके। तो ये करीब 5 बजे बंद हो जाता है, उसके अभी बज रहे 9:30 बजे ऊपर हो चुकी है इसलिए बंद हो गया है। और क्या एक नंबर लग रहा है यार, ये बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर जाके कितना मस्त लग रहा होगा, क्या लाइटिंग है यार इसकी। तो जयपुर में घूमने की बेस्ट प्लेसेस में से एक ये भी है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो कहानी में एक आया नया ट्विस्ट, देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है। ये ट्विस्ट नहीं है, हम जा रहे थे घर पे, हमने सोचा कि पहले मॉल घूम के आ जाते और उसके बाद निकलते अपन मॉल घुमाते, तो अभी जा रहे अपन मॉल पे। और कौन सा मॉल है वो तो आपको मैं वहाँ पे मॉल पे जाके पहुँच के बताता हूँ। तो अभी चलते हैं जल्दी से मॉल पे अपने पूरा ट्रैफिक कवर करके। और मॉल में तो जा रहे थे पर जाते जाते ऊपर देखो घाटी पे एक मेल दिखा है, वो पता नहीं काहे का, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ये रहा मेल, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा मेल और क्या प्लेस है ये, दूर से तो मेल ही लग रहा है यार, फिर पता नहीं क्या है, नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना आप मेरे को, जो भी जयपुर से वो भी कमेंट कर देना यहाँ पे जयपुर वाला जो भी हो। मस्त मस्त घूमने की प्लेसेस है यार, अगर आपको देखना है कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं जयपुर में, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूंगा, आप प्लेसेस का नाम देख लेना। तो ये आ गए अपन मॉल पे, और इस मॉल का नाम है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। तो यहाँ पे जाते हैं अपन मॉल घूमते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ घुमाता हूँ मैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है यार जयपुर में तो घूमने के लिए, आपको भी मज़ा आएगा एक बार जयपुर आओ घूमो। और एक दिन में तो सब कवर नहीं हो सकता है तो मैंने देख लिया है, तो आप आओ तो रुकने के हिसाब से ही आना, एक दो दिन रुक के घूमना तो ही मज़ा आएगा आपको। ये देखो इसकी भी अंडरग्राउंड पार्किंग खूब बड़ी, मतलब 3 फ्लोर पे बनी हुई, नीचे ग्राउंड फ्लोर 3 बने हुए, इतनी बड़ी इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो अभी इसको गाड़ी को पार्क करते हैं अपन, और फिर चलते हैं मॉल में। पार्किंग में बाइक्स कितनी पड़ी, देखो एक बड़ा शोरूम खुल जाए इतनी बाइक्स पड़ी यहाँ पे, पर खैर अपने को क्या करना है, अभी अपन तो चलते हैं मॉल में। वर्ल्ड ट्रेड पार्क मॉल, वीजा एप्लीकेशन सेंटर, वीजा देना क्या। ये देखो क्या मस्त लग रहा है यार मॉल अंदर से, और बहुत सारी दुकानें और सब ब्रांड की दुकान है यहाँ पे, देखते अपन भी घूमते हैं पूरा मॉल। ये रहा मॉल, ये खूब बड़ा मॉल है, लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग करने का नहीं है, सब शॉप वगैरह ही है यहाँ पे खरीदने के लिए, करें क्या है। मॉल तो खूब बड़ा है और अच्छा भी है, पर करने का क्या रहा यहाँ, खरीदे शॉपिंग करे जाके, और खाते चलो कुछ खाते उसके बाद चलते हैं। या फिर अभी और ऊपर आए हैं आप, क्रोमा वगैरह मदर के शॉप है यहाँ पे, और खूब ही बड़ा मॉल है सही में, बहुत बड़ा मॉल है ये,
लेवी है और यहाँ पे शॉप वगैरह है। बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा है यार यहाँ का, कि थीम बना रखी देखो अंदर पूरी अच्छी लग रही है यार। ये देखो पूरा डेकोरेशन कितना अच्छा कर रखा है ये। घूम लिया हमने मॉल, अब चलते हैं वापस घर के लिए निकलते हैं। मॉल में ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, मॉल बता दिया पूरा कि ऐसा कुछ मॉल था और सब ब्रांड की दुकानें थी और कुछ भी ऐसा खास नहीं था। तो अभी अपन चलते हैं घर के लिए निकलते हैं, और अगर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग करता तो वो भी बताता हूँ मैं, क्योंकि अभी जयपुर के ट्रैफिक को पार करना है अपन को, ट्रैफिक खूब होगा। तो निकलते हैं अपन यहाँ से चलो। और ये जो पुल देख रहे हो आप, ये है मेट्रो का पुल। क्या लाइटिंग लग रही है यार इसमें। ये देखो ये पूरा पुल मेट्रो का जा रहा है, तो आप यहाँ पे आके मेट्रो पे भी घूम सकते हो और मेट्रो का भी मज़ा ले सकते हो आप यहाँ पे आके जयपुर में। तो अभी तो हम गाड़ी से आए नहीं, तो मेट्रो पे भी घूमते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के करीब एक, तो हम रुके हैं खाना खाने के लिए। जहाँ पे कल आते टाइम रुके थे खाना खाने के लिए, वहीं पर ही रुके हैं। तो खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। तो मैं आ गया था रात को करीब 6 बजे घर पे। तो रात के इसको तो सुबह ही बोल दो तो भी चले, क्योंकि 6 बजे तो सुबह ही होती है। तो मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे नीचे कमेंट करके भी जरूर बताना। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, अब मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।